बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो बायोकेमिस्ट्री के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन की। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बनिक बॉन्ड्स ऑफ वाटर, हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कवर किए। फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा, हमने ओलिगोसैकेराइड, हमने पॉलीसैकेराइड जो है वो पढ़ा। उसके बाद हमने लिपिड्स पढ़े। उससे पहले जो है हम प्रीवियस टॉपिक में हम प्रोटीन पढ़कर आए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारे पास। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हम जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा है वो हम उसमें पढ़ेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक बार जो है हम प्रीवियस टॉपिक से रिवाइज करें, जो हम इस होल जो टॉपिक है उसके पढ़ते वक्त अपने ज़हन में रखें कि प्रोटीन हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स के साथ हमारे पास जो है वो प्रोटीन वो बने होते हैं उसके कॉम्बिनेशन के साथ। तो उसको पढ़ते वक्त हम इस चीज़ को अगर हम अपने ज़हन में रखें तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर बिल्ड होगा, सबसे पहले हम इसमें ईच प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ यानी हर प्रोटीन मॉलिक्यूल, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एक मखसूस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड करता होगा और एक मखसूस तादाद उसके पास जो होगी अमीनो एसिड की होगी, यानी ईच प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब हर प्रोटीन हमारे पास करोड़ों की तादाद में प्रोटीन होती डिफरेंट टाइप्स, अब हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एक दूसरे से, हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है उसका फंक्शन भी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। सो ये हम लिखेंगे ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी प्रोटीन हमारे पास जो है वो हाईली स्पेसिफिक जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है इनकी हाई जो है वो स्पेसिफिसिटी होती है। सो ये हमारे पास जो है वो एक बेस जो है बन गई। अब इसी बेस पर यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फंक्शन, इसकी बेस के ऊपर जो है हम अपना टॉपिक जो है वो आगे लेकर चलेंगे। अब इसी की बेस पर हमारे पास जो है वो अमीनो एसिड्स के फोर स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है ग्रुप में बताए गए। एक हमारे पास जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद क्वार्टरी स्ट्रक्चर। सो वन बाय वन जो है हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर बताया जाता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी हमारे पास अक्सर हम पहली चीज़ों को कहते हैं, हमारे पास फोर मोस्ट चीज़ होती है, सबसे पहले जो अपर नंबर होती है उनसे जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी चीज़ है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें हम अमीनो एसिड्स की तादाद भी बता सकें और उसका सीक्वेंस भी बता सकें, और अमीनो एसिड्स हमारे पास जो है वो लीनियर फॉर्म में हो, उसे जो है हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे द स्ट्रक्चर इन विच नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड
can be determined called primary stress. यानी प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है वो भी बता सकें और अमाइनो एसिड की तादाद क्या है वो भी बता सकें, उस स्ट्रक्चर को जो है हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं और उसका सीक्वेंस बता सकते हैं, वो इस वजह से बिकॉज इस स्ट्रक्चर के अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे या पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो हमारे पास लीनियर फॉर्म में होगी। सो ये भी नोट करें, पॉलीपेप्टाइड चेन इज ए लीनियर फॉर्म, यानी वो हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में एक लीनियर फॉर्म में होगी, तो इसी वजह से जो है आप उसका स्ट्रक्चर भी बता पाएंगे और उसका सीक्वेंस भी बता पाएंगे। सो ये हमारे पास जो था प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास टू इसकी एग्जांपल जो है वो मेंशन की गई है, वो हम देखते हैं। नंबर वन हमारे पास जो है वो इंसुलिन और दूसरी हमारे पास हीमोग्लोबिन। सो ये टू हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स कोड की गई है। अब इंसुलिन हमारे पास, इंसुलिन में बताया जाता है कि इसके पास जो है टू चेन्स होती है, इंसुलिन के पास जो है वो चेन वन एंड चेन टू। अब चेन वन में हमारे पास जो है वो 21 अमीनो एसिड्स और चेन टू में हमारे पास जो है वो 30 अमीनो एसिड। अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो है वो 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। तो ये भी हम लिखेंगे 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। टू अल्फा चेन्स हमारे पास होती हैं वो एक अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड्स की और दूसरी भी 141 अमीनो एसिड्स की होती है, और दूसरी हमारे पास जो टू बीटा चेन्स होती हैं वो हमारे पास 146 अमीनो एसिड्स की एक और 146 अमीनो एसिड्स की एक। यानी टू अल्फा चेन्स, एक अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड्स की और दूसरी अल्फा चेन हमारे पास 141, टू बीटा चेन्स मतलब एक बीटा चेन हमारे पास 146 अमीनो एसिड की और दूसरी बीटा चेन हमारे पास 146 अमीनो एसिड की। और यहाँ पर इंसुलिन के पास टू चेन्स होती हैं, चेन वन जो है 21 अमीनो एसिड्स की और चेन टू हमारे पास जो है वो 30 अमीनो एसिड्स की। सो ये हमारे पास जो था ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और ये भी हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ये हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये एमकैट में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वो किस मतलब के साइड उसके पास है, क्या हमारे पास जो है अमीनो एसिड का नंबर है उसका, और ये भी जो है वो इस तरह के इंसुलिन में जो है वो चेन उसमें जो है वो चेन पूछ लेता है कि अमीनो एसिड की तादाद क्या है। सेम हमारे पास जो था प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर फॉर्म में था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कि अगर हम उसी लीनियर फॉर्म, यानी हमारे पास अगर एक ऐसे स्ट्रेट है, हम इस तरह स्ट्रेट है तो हम उसके जो है अगर कोइलिंग कर दें इस तरह ऐसे उसको मरोड़ दें, जैसे हमारे पास जो है वो डीएनए का भी स्ट्रक्चर हेलिक्स होता है, अगर उसको मरोड़ दें तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो इस तरह इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, द कोइलिंग एंड बैक फोल्डिंग, बैक
होल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अब यहाँ पर कॉइलिंग और बैक फोल्डिंग दो टर्म यूज की गई है। कॉइलिंग को अगर हम कहें तो हम इसे कॉइलिंग और बैक फोल्डिंग तो हमारे पास जो है वो टर्म यूज की गई है। अब कोइलिंग अगर की जाए तो कोइलिंग अगर हम करेंगे उसकी तो वो अल्फा हेलिक्स यानी हमारे पास जो हेलिक्स होता है यानी डीएनए का मॉलिक्यूल भी आपने देखा होगा तो वो हेलिक्स की फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिक्स की फॉर्म में होता है। सो कोइलिंग अगर करेंगे तो वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और अगर बैक फोल्डिंग का जिक्र किया गया बैक फोल्डिंग करेंगे तो वो एक टर्म यूज की गई है बीटा बीटा रिटेड शीट। तो हमारे पास एक शीट की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। सो ये हमारे पास जो था वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एक एमसीक्यू आता है कि यहाँ पर स्पेशली जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है यानी अमीनो एसिड जो है अब यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन थे उसके बाद जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमारे पास वो कौन सा बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा जो उनके अमीनो एसिड्स को मॉलिक्यूल्स को जो है वो पार्टिकल्स को जो है वो आपस में जकड़ कर रखेगा या आपस में उनको अट्रैक्ट रखेगा कि वो हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा तो इनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो इनके मॉलिक्यूल्स को जो है वो अट्रैक्ट रखेगा और उसके जो पार्टिकल्स होंगे या अमीनो एसिड होंगे वो आपस में अट्रैक्ट रहेंगे और उसका जो हेलिक्स जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिस्ट्रॉयड होगा। सो ये हमारे पास जो था वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो फर्स्ट टू हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे इसके बाद हमारे पास जो है वो टू स्ट्रक्चर्स और रह जाएंगे। सो अपना जो है अभी तक हमने जो है वो रिव्यू करते हैं जो पढ़ा है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह टॉपिक रिव्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसके बारे में हमने अपनी बेस बनाई कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोटीन हमारे पास जो है वो अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड्स के साथ वो मिलकर बने होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं यानी अमीनो एसिड जो है अगर चेन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें हमने अपनी बेस एक बनाई कि जो प्रोटीन ईच प्रोटीन हमारे पास कोई भी प्रोटीन है किसी भी किस्म की प्रोटीन है उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा यानी अमीनो एसिड एक मखसूस तादाद में प्रेजेंट होंगे अमीनो एसिड का एक मखसूस सीक्वेंस होगा। उसके बाद हमने देखा कि सीक्वेंस और अमीनो एसिड या नंबर ऑफ अमीनो एसिड हमने बात कर ली। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी प्रोटीन है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा बिकॉज के नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक होते हैं या डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो फंक्शन भी जो है वो हर प्रोटीन का एक मखसूस होगा या हर प्रोटीन का फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट होगा। सो ये हमारे पास एक बेस बन गई। इसी बेस पर यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बेस पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बेस पर फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बेस पर और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बेस पर हमने कहा कि हमारे पास जो है वो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो या हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इन विच सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर इन विच द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर के जिसमें हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी बता सकें हम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स भी बता सकें उस स्ट्रक्चर को हम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे।
बिकॉज ऐसा क्यों है हमारे पास, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन या अमीनो एसिड जो है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी अभी तक उन्होंने कोई हमारे पास जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उन्होंने कोई शीट बीटा ग्लूटामिक शीट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो अभी तक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए जो है आप गिनती करके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अमीनो एसिड का जो है वो सीक्वेंस भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन की, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की। इंसुलिन में हमारे पास टाइगर के इंसुलिन का टू चेन्स प्रेजेंट है, चेन वन में हमारे पास जो है 21 अमीनो एसिड्स और चेन टू में जो है वो 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन की हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखी, हीमोग्लोबिन में हमें टाइगर के फोर चेन जो है यानी टू अल्फा चेन्स और टू बीटा चेन्स, टू अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स और टू बीटा शी है टू बीटा चेन्स में हमारे पास 146 एंड 146 अमीनो एसिड्स ज्यादा है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो है वो हीमोग्लोबिन इंसुलिन में जो अमीनो एसिड्स की तादाद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है, एमकैट में अक्सर पूछ लिया जाता है, बोर्ड के पेपर्स में भी अक्सर ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हम उसको ही कॉइलिंग करें या उसकी कॉइलिंग करें, बैक फोल्डिंग करें, तो वो हमारे पास अगर उसको हम फोल्ड कर रहे हैं जैसे हम तय लगाते हैं, या अगर हम उसको फोल्ड करें जो है फोल्ड सॉरी अगर उसकी कॉइलिंग करें या उसको ऐसे हम अगर कॉइल बनाएं, तो जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें हमने टू टर्म्स यूज की, कॉइलिंग एंड बैक फोल्डिंग। अगर हम कॉइलिंग कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारे पास हेलिकल फॉर्म यानी हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर हम बैक फोल्डिंग कर रहे हैं तो वो हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमने एमसीक्यूज देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में ऑफ प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है जो अमीनो एसिड्स को टाइटली अट्रैक्ट करता है ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहे। सो हमने उसमें देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अमीनो एसिड्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है ताकि जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय ना। सो ये हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट हम जो है वो जो रिमेनिंग टू स्ट्रक्चर्स यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर उन्हें जो हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर क्या है कि इससे पहले हमने पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास सिंपल कॉइलिंग एंड बैक फोल्डिंग था। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास है कि अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पहले से ही कॉइल्ड और बैक फोल्डेड है, अगर आप उसकी मजीद कॉइलिंग करें या अगर हमने उसको थोड़ा सा कॉइल किया था, अगर उसको मजीद और कॉइल कर दें तो हमारे पास जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे द फर्दर फर्दर कॉइलिंग एंड बैक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पर हम जो है सेकेंडरी लिख लेते हैं, सेंटर पॉलीपेप्टाइड चेन इस पार। यहाँ पर अगर हम उसकी कॉइलिंग एंड बैक फोल्डिंग कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो वो हमारे पास जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ग्लोबुलर फॉर्म में, जैसे हमने एग्जाम्स के बारे में पढ़ा था कि वो जो है वो ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं। सो आमतौर पर ग्लोबुलर का मतलब है बट जहाँ पर भी यूज हो तो अमूमी तौर पर जो है उसका जो है प्रोटीन से मुराद होता है। एंजाइम्स भी हमारे पास जो है प्रोटीन है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, एंजाइम्स जो है वो भी प्रोटीन इन नेचर है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पहले से ही कॉइल्ड और बैकफोल्डेड था, अगर हम उसकी मजीद कॉइलिंग या बैकफोल्डिंग करें तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर भी है जो हम बॉन्ड्स का जिक्र करेंगे, यहाँ पर भी बॉन्ड्स से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तीनों का नेम लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड थर्ड वन हमारे पास जो है वो एसएस ब्रिज भी से कहते हैं, या इसे जो है वो बाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं, बाइसल्फाइड। अब यहां पर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहां पर टू टर्म्स स्टर्शी में और क्वार्टरी में हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। अब यहां पर थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये बॉन्ड अलग से दोनों और ये अलग से, ये एसएस ब्रिज या बाइसल्फाइड जो है ये प्रोटीन को या प्रोटीन के हम कहें इनर पोर्शन को या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के इनर पार्ट को जो है वो हाइड्रोफोबिक बनाता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक। और कहां से, ये इनर साइड से, इनर साइड से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग ये जो है ये हाइड्रोफिलिक बनाता है फ्रॉम आउटर साइड। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या चीज है, हाइड्रोफोबिक कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करना, यानी वाटर से रेजिस्ट करना। अगर एक चीज हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब यह है कि वो पानी में स्टेबल है, वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है, पानी उसको जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब है कि पानी उसको इफेक्ट करेगा, यानी पानी वो एब्जॉर्ब करेगा या पानी उसको जो है वो इफेक्ट रखेगा। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो इनर साइड से हाइड्रोफोबिक है और आउटर साइड से जो है वो हाइड्रोफिलिक है। इनर साइड से हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी के पार्टिकल्स को जो है वो रिपेल करेगा वो चीज, और अगर वो आउटर साइड से वो हाइड्रोफिलिक है, आउटर साइड से हाइड्रोफिलिक होने का मतलब कि वो गीली तो होगी लेकिन वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज इनर साइड से वो हाइड्रोफोबिक है, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन वो चीज बाहर से जो है वो गीली तो होगी। इससे मुराद ये या इससे हमारे पास वो रिजल्ट क्या निकला कि उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, इसका मतलब मैंने पहले बताया कि पानी उसके अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये कि वो एक्वस मीडियम के अंदर एक स्टेबल चीज होगी। सो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेबल इन एक्वस मीडियम होते हैं। सो दे आर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, यानी वो पानी के अंदर जो है वो स्टेबल होते हैं। रीजन मैंने आपको पहले बताई कि इनर जो है स्ट्रक्चर उनका जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोस्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। एक्वस में स्टेबल इसलिए बिकॉज उनका जो इनर पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है लास्ट वो है क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्वार्टरी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन, द एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एग्रीगेशन कहते हैं किसी भी चीज का जमा हो जाना। अब जैसे मिसाल के तौर पर जब आप एफएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं, जब हम एमकैट में जो है वो अप्लाई करते हैं तो हमारे एमकैट के मार्क्स और एफएससी के मार्क्स इनका एग्रीगेट बनाया जाता है। 70% मार्क्स है, 30% से जो है डिफरेंट रेशियो होती है उसको जो है वो एग्रीगेट बनाया जाता है। एग्रीगेट से मुराद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को या फैला जो फैली हुई चीज़ें उनको जो है इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा करके उनका ढेर लगा देना। सो हमारे पास जो है वो एग्रीगेट एक टाइप हम कहते हैं कि मिली जुली जो
मिलाकर या इकट्ठा अगर हम कह लें तो हमारे पास जाकर आगे गेट में मीनिंग समझ आएगा। सो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का एग्रीगेट होता है या उनका एग्रीगेशन होता है। तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक जगह पर इकट्ठा करना उनका एग्रीगेशन जो है वो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वार्टरली स्ट्रक्चर। यानी क्वार्टरली स्ट्रक्चर में हमारे पास के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का एग्रीगेशन यानी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स उनको एक जगह पर एग्रीगेट कर दिया जाए तो हमारे पास जाए वो क्वार्टरली स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का क्या है तो ये बिल्कुल जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऑपोजिट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका आउटर क्या होगा और इसका इनर क्या होगा, अब आउटर साइड ऑफ क्वार्टरली स्ट्रक्चर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और इनर साइड ऑफ क्वार्टरली स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है यानी हाइड्रोफोबिक के बाहर से जो है वो पानी को रिपेल करेगी लेकिन इनर साइड जो उसकी हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी को अब्सॉर्ब करेगी यानी पानी उसको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। सो ये हम नोट करेंगे कि इसका आउटर पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और इनर पोर्शन इसका हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सो यहां पर हमने इन दोनों चीजों से ये रिजल्ट निकाला था कि ये एक्वस मीडियम में स्टेबल होगा। अब यहां पर जो है उसके ऑपोजिट है तो ये भी इसके यहां पर ऑपोजिट होगा और यहां पर हमें ये पता चला है कि ये जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर स्टेबल नहीं होता। ये हम नोट करेंगे दे आर अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। सो दे आर अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम क्योंकि यहां पर जो है वो इनर पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इनर पोर्शन जो है वो सॉरी हाइड्रोफिलिक है और आउटर पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए हमें पता चला कि ये जो है वो एक्वस मीडियम का जो है वो अनस्टेबल है और ये पानी को अब्सॉर्ब करके जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो इनका जो है वो एक्वस मीडियम का इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। सो ये हमारे पास जो था आज का टॉपिक था इसको जो है हम दोबारा रिव्यू करते हैं। आज के टॉपिक में एक दफ़ा हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास इंजाइम जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन यानी एंजाइम अमीनो एसिड की चेन के साथ जो है बने होते हैं। उसमें हमने अपनी बेस के तौर पर पढ़ा कि हमारे पास जो है अमीनो एसिड्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर अमीनो एसिड हर प्रोटीन के अंदर जो है वो अमीनो एसिड का डिफरेंट सीक्वेंस होता है, डिफरेंट नंबर होता है, इसी वजह से जो है वो डिफरेंट नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होने की वजह से हमारे पास जो है वो हर प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट होगा। अगर हर फंक्शन डिफरेंट है उसकी वजह क्या है तो उसका हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे जो है वो डिफरेंट है। इसी बेस पर हमने देखा कि हमारे पास जो है फोर स्ट्रक्चर प्रोटीन डिस्कस की गई है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर प्रोटीन। उसमें हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सीक्वेंस यहाँ का स्ट्रक्चर इन विच सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी डिटरमाइंड बिकॉज रीजन क्या है हमारे पास बिकॉज के अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इसी वजह से हमारे पास जो है हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हमने इंसुलिन और जो है वो हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल नोट की। इंसुलिन का हमें बताया जाता है कि टू चेन्स प्रेजेंट है, चेन वन पे जो है 21 अमीनो एसिड, चेन टू पे जो है वो 30 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 4 चेन्स यानी 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, 2 अल्फा चेन्स में हमारे अंदर 141 अमीनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास जो था वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि अगर हम लीनियर फॉर्म यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर की ही कॉइलिंग ऐसे करें जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसका भी हेलिक्स फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसको जो हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है। सो
अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही हेलिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो एक टू टर्म्स हमने पढ़ी कि कोइलिंग एंड बैक फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन। अब कोइलिंग अगर हम करेंगे तो वो हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बैक फोल्डिंग करेंगे या इस तरह हम उसको तय लगाएं तो हमारे पास एक बिटा पेप्टाइड शीट में जो है वो कन्वर्ट होगा, यानी एक शीट जो है वो उसकी बनेगी। इसमें हमने जो है वो पढ़ा कि अब अमीनो एसिड चूंकि हेलिक्स की फॉर्म में आ गए हैं तो वहाँ पर कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो वहाँ पर जो है उसके अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करके बताकर उसका जो है वो हेलिक्स से जो है वो लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके मॉलिक्यूल या अमीनो एसिड के दरमियान जो उसे टाइटली अटैक करता है वहाँ पर जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि द फर्दर कॉइलिंग एंड बैक फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पहले से ही हेलिकल फॉर्म में या फोल्डेड जो फॉर्म में था अगर हम उसकी मजीद कॉइलिंग करें या मजीद उसको फोल्ड करें तो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हमने देखा कि थ्री बॉन्ड्स जो है वो डिफरेंट थ्री बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो उसका जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं या कॉइलिंग स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड आयनिक बॉन्डिंग एंड थर्ड वन हमारे पास SS3 या जिसे बाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है टर्शियरी स्ट्रक्चर की टू टाइप्स या टू उसके साइड्स हैं इनर और आउटर, उसका अंदरूनी हिस्सा और उसका बाहर वाला हिस्सा। आउटर साइड हमारे पास जो है उसका हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है इनर पोर्शन। हाइड्रोफिलिक बिकॉज ऑफ टू बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बिकॉज ऑफ वन बॉन्ड SS3 या बाइसल्फाइड बॉन्ड। चूंकि वो बाहर से जो है वो हाइड्रोफिलिक है और अंदर वाले हिस्से से जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो बाहर से गिरा तो होगा लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करता बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिपेल करेगा। सो वो हमारे पास जो है वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो इसी से हमने रिजल्ट निकाला कि दे आर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, यानी वो पानी के अंदर जो है वो स्टेबल होते हैं। वाटर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि द एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड वाटर स्ट्रक्चर। वाटर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन का एग्रीगेशन, यानी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, उसने जो है हमारे पास एक एग्रीगेशन टाइप की हमारे पास एक एग्रीगेट बना दिया है बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसे जो है वाटर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसकी भी टू डिफरेंट टाइप्स या टू डिफरेंट साइड्स हैं, आउटर और इनर। आउटर किसमें जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और इनर जो है वो हाइड्रोफिलिक, यानी आउटर साइड से जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, पानी को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनर साइड जो है वो रिपेल करेगा। इसी वजह से जो है रिजल्ट निकला कि दे आर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, जिसकी वजह से हमें पता चला कि पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पानी के अंदर जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो अनस्टेबल होते हैं। सो आज के लिए हमारा टॉपिक था, आज के इतना काफ़ी है। आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपको जल्द से जल्द आपकी बात का या आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया जाए, मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई किया जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, हमारे पास प्रोटीन क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। अगेन भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लोगों का शसार है, लेकिन वो इजी है, कोई इतने टफ नहीं है। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, अपने गाँव में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।